आज की शादी को अगर कड़मसल ब्याह कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। बहुत ही हसल बसल थी और अंदर घुसते ही हमें लग रहा था कोई फूफो भी नहीं नजर आ रही, कोई भी नहीं है। हमें लगा था हम गलत शादी पर है, आज आपको दुल्हन से भी मिलवाऊंगी। और शादी पे क्या क्या हल्ला गुल्ला हुआ उसका थोड़ा थोड़ा क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है। जाना आपने कहीं नहीं है, एंड तक देखना है। बहुत सारी डांसिंग है और दूल्हे मियां को हमने घोड़ी पे भी बिठाया था तो वो डांस भी देखने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। How are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today? तो चले जी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शादी किसकी थी। शादी थी जी मेरे फादर की फूफो की बेटी की, यानी कि मेरी दादी की बेटी की समझ लें, मेरी फूफो की शादी थी। तो इस तरह हम शादी पे पहुँचे और ज़रा दूर का रिश्ता है तो हम वहाँ किसी को जानते नहीं थे। तो अंदर घुसते ही हमें महसूस हुआ कि हम किसी गलत शादी पर आ गए क्योंकि इनमें से कोई भी चेहरा जो था वो जाना पहचाना नहीं लग रहा था। तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि हम लगता है गलत शादी पर आ गए। जी हाँ, कितनी भी दूर की शादी हो हम शादी नहीं छोड़ते। तो रिश्ता थोड़ा दूर का था तो वहाँ सिर्फ मेरे वालिद साहब को ही सब जानते थे। तो बाहर आके फिर मैंने वालिद साहब से कहा गलत शादी पे आ गए, तो हम गलत शादी पे नहीं आए, हम सही शादी में। अपेरेंटली हम किसी को नहीं जानते थे तो क्या। अबू जी ने हमारा इंट्रोडक्शन फिर सबसे करवाया तो फिर हमें थोड़ी तसल्ली हो गई। चले जी फिर सिलसिला शुरू हुआ जी सेल्फियाँ लेने का और पिक्चर्स लेने का। हम यहाँ पर अभी पिक्चर्स ले रहे थे और उसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि ये पिक्चर्स लेते लाते हमें तकरीबन काफ़ी अर्सा गुजर गया है। और फिर हमें लगती जी भूख क्योंकि हम बहुत बोर हो रहे थे, तो फिर हमने मंगाई जी मूंगफली और हमने खाई जी पीनट्स। एंड दिस टुडे वाज द फर्स्ट डे जब हानिया को पता लगा कि हाउ टू ओपन अ पीनट शेल। सो हानिया ने सीख लिया मूंगफली खाना। जगह कम और मुकाबला बहुत सख्त था। यह जगह बहुत कम थी और मेहमान काफ़ी ज़्यादा थे। चलिए मैं आपको इसकी भी वजह बताती हूँ कि ऐसा क्यों था। एक्चुअली मैं उनके घर के बाहर जो स्ट्रीट थी उन्होंने वहाँ पर ही अरेंजमेंट किया था। उसकी वजह यह थी कि दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट द होल नाइट, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए होते हैं कि 8 से 10 बजे तक आप अपना फंक्शन कर सकते हैं इन एनी हॉल। लेकिन जब आप अपने घर के बाहर फंक्शन करते हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर फंक्शन कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पर इट्स टोटली अप टू यू कि आप जितनी देर तक चाहे आप फंक्शन कर सकते हैं। तो फिर से बोलो क्या चाहिए आपको। खाना चाहिए, खाना चाहिए आपको। जी हाँ, तकरीबन 9 बज चुके थे और बच्चों को लग गई थी बहुत ज्यादा भूख और ऐसे में कुछ उम्मीद की किरण नजर आई और देखे जाती हुई नजर आ रही थी। इतने में जी ढोल भी आ गया और कुछ लगा कि दुल्हन की डोली आ रही है और से देखे क्या होने वाला है। दम से धुआं सा उड़ा और हमें लगा कुछ पटाखा सा बज गया। ढोलकी में क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ये तो पटाखे जैसा था कुछ। Apparently वो एक कलर बॉम्ब था। दुल्हन तुम्हारी आंखों में धुआं डाल के चली गई। चले जी ये है
दुल्हन इसको बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक इस कपल को अपनी जो मान में रखे, इनको नजरे बद से बचाए और इनकी आने वाली जिंदगी इनके लिए बहुत खुशियों भरी करे, इन्हें एक दूसरे की कदर करना सिखाए और इन्हें बहुत सारा प्यार मिले। खाने में था चिकन पालक और साथ था जर्दे, नहीं गुड़ वाले चावल थे। यस तो जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद जी केक भी था। यस देयर वाज अ केक कटिंग सेरेमनी और ढोलक वाला केक था। तो आप लोगों ने देखे हैं ढोलक वाले केक, मैंने एक और भी शादी में देखा था ढोलक वाला केक, इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूंगी बहुत जल्द। वो केक मेरी सिस्टर की कंपनी का है तो वो बहुत ही खूबसूरत था। चलो जी फिर आप कहेंगे जी तेनू अपने साड़े पे रहने ने, मतलब हमारे लोगों की शादियों में कहाँ कटिंग होती थी जी, केक कटिंग एंड एवरीथिंग। तब तो जी ये मतलब कहाँ इतना तैयार, मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी, कोई मेरा ख्याल शायद लोशन भी नहीं लगाया होगा मुंह पर। चले जी कोई बात नहीं, अब हम तैयार हो रहे हैं ना, अब वक्त मिल गया है तैयार होने का, तो अपने अपने नसीब हैं, अल्लाह पाक बहुत अच्छे नसीब करे इनके। और जी चले जी अब आगे चलते हैं, ढोल वाला आ गया है तो अब डांसिंग होगी। चलिए जी ढोल की आवाज़ सुनते ही आप लोगों में से किसका डांस निकल रहा होता है, मेरा हेल्प से अक्सर का नहीं निकलता, पर मेरा तो थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, मेरा कंट्रोल नहीं होता निकल जाता है। अच्छा फंक्शन क्योंकि इनके घर के बिल्कुल बाहर ही था तो फिर ये लोग बाहर दोबारा गए और वहां से मेहंदी की सारी चीजें लेकर दोबारा से इन्होंने एंट्री की थी। इस तरह होता है, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखा है नहीं, बट इट डज हैपन। तो जी उसके बाद बहुत ही खूबसूरत चीजें थी सारी, बहुत प्यारी लग रही थी और हमें तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फाइनली सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी मेहंदी की, तो मेहंदी पर जो है सबसे पहले दुल्हन को गाना बांधा जाता है और हमारे यहाँ तो मामू बांधते हैं गाना, आपके यहाँ कौन बांधता है गाना? अपेरेंटली हर फैमिली के हिसाब से डिफरेंट होता है। सो जी हम लोगों ने अपना फर्ज अदा कर दिया था और उसके बाद हम लोग जी घर की तरफ निकलने लगे हैं। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? शुरू में फंक्शन थोड़ा बोर लग रहा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फंक्शन में मजा आना शुरू हुआ जब सारे रस्में जो है वो स्टार्ट हो गई थी, खासकर खाने के बाद। तो चले जी एंड पर इन्होंने दूल्हे को घोड़ी पे भी बिठाया था और घोड़ी ने डांस भी किया था, और थोड़ा खतरनाक काम होता है, बच्चे से जरा दूर दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। बाकी ये कि वो जो पास होता है तो घोड़ी ने डांस किया और ये बड़ा एक ट्रेडिशनल सा एक ये है फैक्टर और अक्सर जो है वो मोहल्ला वगैरह में ये काम होता है। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आई होप यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द लव्ड वंस अराउंड यू, एंड बिफोर यू लीव यू कैन चेक आउट ऑल दीज अदर व्लॉग्स दैट आई हैव शेयर्ड बिफोर एंड आई एम श्योर यू विल लाइक देम टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।